छाती है। तुम्हें जहांगीर से दोस्ती करनी है और फिर उसे बताना है कि फरवा कितनी बुरी लड़की है। तुम्हारा ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बाबा जो तोते की नाक वाला ये टीचर मियां जो भी है ना, तूने वक्त के मैंने कान के नीचे रख के चपेट मारनी और ये मैंने मारनी है। मैं बता दूं, मैं वहां इतने अरसे थी, एक बुरी औरत और मुलाजमा के किरदार के भी थी। बच्चियों के स्टेटस फेसबुक पे, ओहो तो मैं दबा के पड़ता। हाँ बोलो फरवा। किसने कहा था ये सब करने को? तो क्या करता, अब कुछ तो बोलना था। हाँ तो ये बकवास करना ही जरूरी था। देखो फरवा, मुझसे मजीद ये ड्रामा नहीं होता यार। मैं एक शोरूम वाला आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ, गाड़ियां बेचता हूँ, दो पैसे कमाता हूँ और ये हलाल पैसे को हराम नहीं है। लग पता जाए लोगों को जब दो गाड़ियां शहर में से ढूंढ के किसी को बेचनी पड़ती है, पसीने निकल जाते हैं बंदे के और चेहरे से भी नहीं निकलते। इसी हालत में मैं हूँ, यही मैं हूँ, समझ आती तो ठीक है, वरना कुछ नहीं। अब तुम्हारे वालदैन को अगर इस तरह मैं कबूल नहीं हूं तो ठीक है, वो नहीं कबूल कर रहे, ठीक है। हो गोगी, ये तुम कह रहे हो? परवा, शादी बहुत बड़ा रिश्ता होता है, वो इस तरह झूठी बुनियादों पर शुरू नहीं करना चाहिए। और सच यही जो कि मैंने तुम्हें बता दिया है, मेरी आदतें, हर आदमी अच्छी बुरी आदतें होती है। मैं कमरे में आके अपनी जराबे उधर फेंकता हूँ, जूते उधर फेंकता हूँ, शर्ट कहीं और फेंकता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें मेरी ये तमाम आदतें कबूल हैं, तुम्हें मेरी ये नेचर कबूल है तो ठीक है, वरना यार मैं खुद को नहीं बदल सकता, ये बहुत मुश्किल काम है और मेरे से हो ही नहीं सकता। क्या मतलब, मेरे लिए भी नहीं? यार मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं पसंद हूँ, दिलो जान से पसंद हूँ। मेरे से अगर तुम शादी करना चाहती हो तो कल शाम 5 बजे मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, परफ्यूम लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, बस। वरना क्या? खुदा। अब गजनवी अंकल जो भी फैसला करेंगे वो सच होगा। और तुम ये कैसे कह सकते हो डफर? I'm not डफर, तुमसे सिर्फ 0.16% का मार्क्स आए थे मेरे। That doesn't make me tougher. ये हम दोनों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवेंचर था, और भाई खुदा का वास्ता है मोहब्बत एडवेंचर नहीं। कितने अच्छे हो जनेल। Really? तुम अगर वहां नहीं जाते तो मामू जान से गोगी की असलियत छुप जाती। You're my hero. I am? तुम्हें मालूम है मैंने गोगी से क्या कहा? क्या? यही, मैंने गोगी से कहा कि फरवा वाकई ही चाहे जाने के लायक है। She's adorable. और गोगी को उसे तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। इट मीन्स तुम्हारे कहने पे उसने सब नहीं किया। He was already up to something. No, no. उसने जो कुछ भी किया मेरे कहने पे किया। तुम्हारी वजह से क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और फरवा एक अच्छी लड़की है। जब फरवा उसकी तरफ आई तो उसे लगा कि वो उसकी हेल्प लेने आई है और उसने उसे धोखा नहीं दिया। अब गजनवी अंकल जो भी फैसला करेंगे वो सच होगा। और तुम ये कैसे कह सकते हो डफर? I'm not डफर।
तुमसे सिर्फ 0.16% का मार्क्स आए थे मेरे. That doesn't make me tougher. देख लिया आप लोगों ने, ये है इस लड़के की असलियत. मैं तो धोखा खा चुका था. अच्छा क्या तुमने उसे बुला लिया? मैं तो सब जानती थी, आपको असलियत दिखानी थी बस. तौबा तौबा, इस कदर जाहिल लड़का, उसको तो बोलना भी नहीं आता. और ये इंतहाई फ्लर्ट इंसान है. सुन लिया आपने? जी. आप लोग भी सुन लें, गोगी जैसा भी है ना, मुझे गोगी पसंद है. तुम इतनी अकलमंद नहीं हुई कि अपने फैसले दुरुस्त कर सको? मुझ में इतनी अकल है कि मैं अपने फैसले खुद कर सकूं. हाँ, इतनी अकल नहीं है कि अपने फैसले दूसरों पे ठूसूं. वाह, कोई भी अपने फैसले तुम पे नहीं ठूस रहा. तुमने मुस्तनसर से शादी की, हम खामोश रहे. अगर अब ये बस चले, सही है, आप लोग चलाएं अपनी मर्जी, क्योंकि अब मैं भी ना अपनी मर्जी चलाऊंगी. अरे फरवा, फरवा, इट्स ओके, टाइम दे उसे, इग्नोर करें, जिद है, कुछ दिनों में उतर जाएगी. काश ऐसा ही हो. ओ यारा, ये तूने क्या किया? यार वही जो शायद मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था. देख, तुझे ना उसको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था. असद, स्कूल में जब मेरे नंबर्स कम आते थे ना, तो टीचर्स मुझे एक बहुत ही बुरा लड़का समझते थे. बड़ी कुट पड़ी तेरे भाई को स्कूल में, उन्होंने मेरी तरबियत से भी हाथ खींच लिया. जबकि तालीम के साथ तरबियत भी बहुत जरूरी है मेरी जान, तरबियत भी बहुत जरूरी. यार ये लेक्चर किस खुशी में? नहीं, लेक्चर नहीं है यार, ये बहुत सोचा यार मैंने. असद, मैंने फैसला कर लिया. कैसा फैसला? फरवा मुझसे मोहब्बत नहीं करती. और ना ही मैं फरवा से मोहब्बत करती. फैसला क्या किया है यार? असद यार, सीधी सी बात है, किसी शादीशुदा लड़की की जिंदगी बर्बाद करने को अच्छी बात तो है, तो भाई मैं तो ऐसा नहीं कर सकता. सिल्की पढ़ाते पढ़ाते एक बात बड़ी जबरदस्त कहती थी. कौन सी बात है? तो छोटी सी बात लेकिन है बड़ी है. कहती थी, शादी हमेशा उससे करो जो आपसे मोहब्बत करे. सिल्की? ओ तो सिल्की से. फिर फरवा का क्या? बस ठीक है, उसने मुझसे इम्तिहानों से बचने के लिए मोहब्बत की थी ना, घर वालों को नीचा दिखाने के लिए. अब उसको इम्तिहानों से बचाने के लिए मैं अपना इंग्लिश बी का पर्चा खराब कर दूं. बस ठीक है, खुश रहे. फरवा की उम्र भी थोड़ी पक्की थी, ये बच्ची थोड़ी यंग है, मैंने आगे नस्लें भी देखनी है. उसको तंदूर खोल देंगे फरवा को. सबको छोड़ के आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए. अब मैं वापस कभी भी नहीं जाऊंगी. और इस बार तुम कोई प्लान नहीं बनाओगे, ए बी सी कोई भी नहीं. ये तुमने बहुत गलत किया यार. तुमने तो मुझे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो आ जाऊं. हाँ तो घर आने को तूने कहा था यार मैंने, वो भी आधी रात को. मैंने तुम्हारी वजह से सर जैसे अच्छे इंसान को रिसीव किया है. अपने घर वालों को छोड़ो तुम. यार तुम वापस चली जाओ अपने घर. गोगी भाई, सच्ची बात यह कि सब कुछ तुमने मेरी खातिर नहीं किया.
देखो फरवा, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम्हें सिर्फ फोन कॉल की थी, और अगर वो असद भी करता ना तो तब भी तुम उसको भी यही सब कुछ कहती, और इस तरह मोहब्बतें नहीं होती। सुन लो। तो फिर कैसे होती हैं गधे? अभी तुम घर जाओ, और घर जाके सिर्फ ये सोचना कि जिस दिन तुम मेरा चेहरा ना देखो, क्या सारा दिन तुम्हारा किसी और काम में दिल लगता है? क्या मुझसे बात किए बगैर रात को तुम्हें नींद आती है? मोहब्बत करती हो ना मुझसे, मेरी मोहब्बत में सब कुछ कर जाओगी। ऐसा तो कुछ नहीं है जनाब, यही मेरा पॉइंट है। मोहब्बतों में कहां प्लान बनते हैं यार, क्या कुछ नहीं कर दिया हम दोनों ने? चलाको मासियां बन के जिंदगी गुजारी है, सबके दांत खट्टे करके रखे, क्या मिला? क्योंकि हम दोनों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवेंचर था, और भाई खुदा का वास्ता है मोहब्बत एडवेंचर नहीं। चलो तुम्हें घर छोड़ के आता हूं। कौन है वो? कौन कौन है? कि मोहब्बत ने तुम्हें सच भूलना सिखा दिया है। तुम्हें किसने कहा? गोगी, इंग्लिश का पेपर एक और चीज होता है, जिंदगी दूसरी चीज। सच सच बताओ कौन है वो? सिल्की है यार। मैं सिल्की से मोहब्बत करता हूं। मैं चलती हूँ। मैं छोड़ आता हूँ, कहाँ जा रही हूँ? नहीं, आज मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे कहाँ जाना है। और गोगी, वैसे तो रस्मी सी बात है, लेकिन आई मीन इट, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। इसे पता समझा दूं? अब देख क्या रहे, उठा। फरवा को एक पैगाम दे सकते हो? जी जी, क्यों नहीं। ये दे दूंगा जी, और कोई हुक्म? नहीं, कुछ नहीं। सलाम। बीबी क्या है? ये क्या है? आपके लिए।
उसे पता समझा दूं? अब देख क्या रहे, उठा। चलो भैया चलो ना। सॉरी, इतनी देर में तो ऐसी तैयार हो सकी, अब परफेक्ट तैयार तो नहीं हो सकती ना। तुम मैं पहले क्यों नहीं कहा आपने कि आप आसमापी की वजह से नहीं आते, मेरी वजह से आते? नहीं, हाँ मैं आसमा की वजह से ही आता था, लेकिन फिर आसमा कहीं भी नहीं रही, ना सुरैया ना कोई और मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही तुम रह गए। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर इतनी आसानी से मुझे छोड़ने पर राजी क्यों होंगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं रोक सकता था ना। ये क्या आखिरी कोशिश? अगर ये कोशिश आपने पहले की होती ना, तो जो हुआ है ना वो होता ही ना, पहले ही मैं आ जाती। वो फिट फिट बच्चों का घर यही है? आप? जाहिर है मैं, और इस टाइम दूध वाला आता तुम्हारे घर। इट्स मी द गोगी। नहीं मेरा मतलब था आप यहाँ। क्यों यहाँ जुआ होता है? बैठ जाओ। कहाँ है तुम्हारी फिट सी बाजी? बुलाओ जरा उसे। क्यों? तुम्हारी बाजी से मैंने इजाजत लेनी है, चंद दिनों में मेरी अम्मी जी वापस आ रहे हैं, उनको रिश्ते के लिए भेजना है। ओए, ये क्या बकवास है? यहाँ पे अगर कोई बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। सबसे पहले तो अपनी डाइट में से कैलोरीज को बिल्कुल जीरो कर दो, टाइम हो गया। दूसरा ये कि मैं बकवास नहीं कर रहा, बाजी को भेजो जल्दी। नहीं है वो, चली गई है वो। तुम कौन होते मुझसे पूछने वाले? निकल जाओ यहाँ से, बकवास जाके कहीं और करना, वरना इतने जूते मारूंगी ना कि सारी बकवास निकल जाएगी तुम्हारी। जो बात तुमने सर से कही थी वो मेरे सामने कहते तुम्हें मौत पाड़ी है। के सामने तो तुमने बड़े मजे से कह दिया था, तो यार मुझे तो कह देती। मैंने तो अपना दिल साफ साफ तुम्हारे लिए रख छोड़ा है यार। और सच तो ये है सिल्की कि मैं भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं।
या तुम ही सिल्की हो, तुम ही कॉटन हो, तुम ही दो घड़ी बोस का। आई लव यू एंड ओनली यू। परवा तो लाइपोसेक्शन करवाने थाईलैंड निकल गई है यार, हमें क्या लगे यार, वो तो कुदरत ने वसीला बनाया था तुम्हें और मुझे मिलवाने का, हम मिल गए हैं, आओ मिल लो। लाफ यार, लाउड। हैप्पी एंडिंग है ये, हीरो ना तू मेरी, मैं तेरा हीरो। इट्स लव मैरिज, हैप्पी एंडिंग। हीरोइन, लाफ यार, कम ऑन, ये देखना जरा, बचना। ये देखिए, सब अल्लाह की मर्जी से होता है। हम चाहते कुछ और थे, हो गया कुछ और। मैंने कहा था ना, ये फरवा जरूर आएगी। क्या आसमा भी ने कहा था आपको? हाँ हाँ, मैंने ही सर को कहा था कि तुम जरूर जाओगी। नहीं, परवा नहीं आई, तुम गलत थी आसमा। I don't understand, क्या मतलब? मैं परवा के पास गया था, मैंने उसे कहा था कि अगर तुम ना आई तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, और वाकई अगर वो नहीं आती तो मैं जिंदा नहीं रहता। हम सब जो यहाँ हैं सिर्फ परवा की वजह से। जुनेद, वेयर इज ही? नहीं आया? वो आने वाला था, बिजी हो गया आई थिंक। मैं देखती हूँ। I'm sorry for coming late. I'm sorry for interrupting you. वो actually party में कुछ लोग थे, साथ लेकर आया हूँ। Please welcome Mr. Gogi and Miss Silk. सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे प्यार देने का, मोहब्बत देने का, और मैंने आप लोगों को जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया, सारे एक्सेप्ट कर ले। किताबों से भागे दौड़े, दिल से दिल तुझको क्या परवाह, ओ फरवाह, तुझको क्या परवाह।